आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि डिसएंगेजमेंट के दौरान एक मेमोरियल डिमोलिश किया गया है, उसके मायने क्या हैं, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत ने यहाँ पर जमीन खोई है। इससे पहले हम लोगों की तरफ से इंडिया और चाइना को लेकर जो वीडियोस किए गए हैं वहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक 3D मैप्स का प्रयोग करते थे, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ दिखाई जा रही है मेजर शैतान सिंह भाटी को लेकर बनाया गया था, और माना जाता है कि जहां पर ये मेमोरियल बनाया गया था वहां पर मेजर साहब की बॉडी मिली थी 1963 में। अब इस मेमोरियल को लेकर बताया गया है कि इसको डिमोलिश कर दिया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी चुशूल के काउंसलर द्वारा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस मेमोरियल के डिमोलिशन के बाद में हम सभी को दर्द हुआ है और नेचुरली ये चीज सभी को बुरी लगी है। लेकिन किसी भी चीज को लेकर ओपिनियन बनाने से पहले जरूरी होता है कि डिटेल्स को समझा जाए। यहाँ पर हम लोग ये चीज नहीं कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, हम लोग केवल आपके साथ में डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो परसेप्शनल है, यानी कि भारत का एक परसेप्शन है, चाइना का दूसरा परसेप्शन है और रियलिटी में कुछ और है। अगर इसको ओवर सिंप्लीफाइड लाइन डायग्राम से समझने की कोशिश की जाए तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रेड कलर से लाइन दिखाई गई है वो एक्चुअल पोजीशन लाइन है, ग्रीन कलर से जो लाइन दिखाई गई है वो इंडिया की क्लेम लाइन है, और ब्लू कलर से जो लाइन दिखाई गई है वो चाइना की क्लेम लाइन है। अब एक्चुअल स्टैंड ऑफ से पहले तक भारत की तरफ से जो पेट्रोलिंग की जाती थी वो भारत की क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग की जाती थी, लेकिन पेट्रोलिंग करने के बाद में भारतीय सेना अपने परमानेंट बेस के ऊपर आ जाती थी। कुछ इसी तरीके से चाइना की तरफ से पेट्रोलिंग की जाती थी अपनी क्लेम लाइन तक, और पेट्रोलिंग करने के बाद में वो लोग भी अपने बेस कैंप्स चले जाते थे। लेकिन जब कभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टीज एक दूसरे के सामने पहुंचती थी तब वहां पर फ्रिक्शन होता था और कई बार धक्का मुक्की, पथराव और गोलगप्पे एक्सचेंज होते थे। लेकिन डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान ये चीज डिसाइड की गई है कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा जहां पर ना चाइना और ना ही भारत आएगा। हालांकि अभी तक किसी के पास में भी वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे पता चले कि ये बफर जोन कहां तक होने वाला है, लेकिन इस बफर जोन में जितने भी चाइना की तरफ से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनको PLA डिमोलिश करेगी, और जितने भी स्ट्रक्चर्स भारत की तरफ से बनाए गए हैं उनको भारतीय सेना डिमोलिश करेगी। ये जो मेमोरियल अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बेसिकली इसी बफर जोन में था और इसको डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं जिनको समझना जरूरी है। पहली चीज, ये मेमोरियल बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इसको साल 2020 में बनाया गया था। अगर आप फोटोग्राफ को जूम करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा कि ये अक्टूबर साल 2020 में बनाया गया था, और लगभग उसी समय भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चरम पर था। इसके अलावा जूम करने पर आपको ये भी पता चलेगा कि ये मेमोरियल 8 कुमाऊं द्वारा बनाया गया था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद में इंडिया सेंटिनल की तरफ से ब्रिगेडियर RV रघुनाथ जत्तार साहब से बात की गई थी, और क्योंकि वो 13 कुमाऊं के हैं और मेजर शैतान सिंह भाटी के साथ में वो लड़े थे तो उनको इलाके की ज्यादा समझ है। भाटी साहब 13 कुमाऊ चार्ली कंपनी में रजांगला में लड़ रहे थे, और जत्तार साहब D कंपनी के साथ में मगर हिल पर थे। उनकी तरफ से इंडिया सेंटिनल्स को बताया गया था कि ये इलाका हमेशा से नो मैन लैंड रहा है और कभी भी ट्रुप्स और सिविलियंस वहां पर नहीं जा पाते थे, यानी कि स्टैंड ऑफ के दौरान 8 कुमाऊ अंदर गई है और उस बफर जोन में जाकर उनकी तरफ से ये मेमोरियल बनाया गया है। अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान वही बफर जोन दोबारा क्रिएट किया गया है और इसी वजह से इस मेमोरियल को वहां से हटाया गया है। वैसे अगर आप गूगल अर्थ में जाकर रजांगला मेमोरियल लिखेंगे तो इस मेमोरियल को नहीं दिखाया जाएगा, वो एक अलग मेमोरियल है, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मेमोरियल की फोटोग्राफ देख रहे हैं। अगेन, ये फोटोग्राफ भी इंडिया सेंटिनल्स की है, और इसी वजह से अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर ये जो रजांगला मेमोरियल का मैप और लोकेशन दिखाई जा रही है वो इस वाले रजांगला मेमोरियल की है। होप यहाँ पर चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।